फरमान को लेकर के, आपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार राजभर मुसलमानों को भोलेनाथ को जल चढ़ाने की अपील पर चर्चा में आ गए। दरअसल ओपी राजभर ने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम घर से निकलें और भोलेनाथ को जल जा करके चढ़ाएं। अब अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, सब एक ही हैं। राजभर ने कहा, हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं, शंकर भगवान की पूजा करें, इसके लिए हम जल लेकर के निकलते हैं। कांवरिये जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद को पूरा करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओपी राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जल चढ़ाना इस्लाम मजहब में जायज नहीं है, इसीलिए मंत्री को मुसलमानों को मशवरा देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, इस्लाम में सिर्फ एक खुदा है जिसकी पूजा या इबादत करना ही जायज है। तो कुल मिलाकर के ओपी राजभर के शिवलिंग वाले बयान पर मचे घमासान को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं ये तमाम बयान। हम देशवासियों से जो भी हमारे साथी कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, वो जिस मकसद से जा रहे हैं उस मकसद के लिए अपनी यात्रा को पूरा करें। कहीं किसी तरह का कोई अगर खुराफात भी करता है तो उस खुराफात से शांतिपूर्वक निपटाने का काम करें और व्यवस्थित काम करें। हम लोग शंकर भगवान को मानते हैं तो शंकर भगवान की आराधना करें, शंकर भगवान की पूजा करें, इसके लिए हम लोग जल लेके निकलते हैं। मुहर्रम में जो मुस्लिम समुदाय उनको भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे उनसे भी कहूँगा, वो भी निकलें जाके भोलेनाथ जी को चढ़ाना, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री जनाब ओपी राजभर जी ने जो बयान दिया है, मैं उनके बयान से कतन इत्तफाक नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने सिर्फ जो है पूजा करने की इजाज़त खुदा के लिए दी है कि सिर्फ एक खुदा है जिसकी पूजा करना इबादत करना जायज़ है। इसके अलावा बाकी जितने लोग हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उनमें से किसी की पूजा करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। और मंत्री जी ने जो बात कही है कि मुसलमान जल चढ़ाएं, तो ये जल चढ़ाना भी एक तरीके से इबादत करना है, पूजना है, और इस्लाम में ये नाजायज़ है। इसलिए उनको इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए कि जो शख्स इसका मुतहम्मिल न हो और जो उस मज़हब में उसके मान जिस मज़हब का वो मानने वाला है वो मज़हब उसकी इजाज़त न देता। तो पलट करके अगर कोई मुसलमान उनसे कहे कि आप रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, तो ये भी गलत होगा, इसलिए कि उस मज़हब के वो अनुयायी नहीं हैं। ऐसे ही मुसलमानों के बारे में भी जो उन्होंने बात कही है वो बात गैर मुनासिब है और ये काम गैर शरई है। किसी एतबार से भी, चाहे अदना मुसलमान हो या आला मुसलमान हो, किसी भी कैटेगरी का नहीं अमल कर सकता। तो ओपी राजभर के बयान के बाद अब घमासान मचता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, मुस्लिम घर से निकले और भोले बाबा की पूजा जाकर की करें। तो देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर अक्सर देखा जाए तो अपने बयानों को लेकर के चर्चा में ही रहे हैं। कभी अपनी जाति के लोगों को यूपी सरकार में नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, तो कभी दरोगा के पास पीला गवारे हिंदू हैं जो इस्लाम को मानते हैं, दरगाह पर प्रार्थना करते हैं। तो है अब जी का जंजाल बनती नजर आ रही है, पूरा घमासान मचाती नजर आ रही है। सावन का ये फरमान जो है सामने आया है, ओपी राजभर की ने सलाह दी है कि मुसलमानों को भी मंदिर में जाके जल चढ़ाना चाहिए, जिसके बाद पूरा बवाल जो है मचता नजर आया। अभी नेम प्लेट का मुद्दा और उसके बाद अब ओपी राजभर के द्वारा एक बयान दे दिया गया है।
जहां आपको बता दें कि ओपी राजभर ने कहा, जब भगवान एक हैं तो फिर हम सब लोग एकजुट होकर के एक दूसरे से मिल करके स्वभाव पूर्ण तरीके से, हम चाहे कांवड़ यात्रा का मामला हो या मुहर्रम का मामला हो या कोई त्योहार हो, संविधान को मानते हुए भाईचारे के साथ त्योहार मनाए। यही बार बार कहेंगे कि जब हिंदू दरगाह पर जाकर के चादर चढ़ाता है तो इनको भी वहां कांवड़ यात्रा में शामिल होकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए। कांवड़ यात्रा जारी है और इसको लेकर पूरा बवाल जो है अब यहां पर मचता नजर आ रहा है। तो चलिए अब इस पूरे विषय को लेकर के चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ प्रमुख पैनल, हमारे साथ प्रमोद मिश्रा जी हैं आचार्य, बहुत स्वागत है प्रमोद मिश्रा जी आपका। हमारे साथ महंत शुभमन गिरे जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं आप, बहुत स्वागत है आपका भी। वहीं शहाबुद्दीन रिजवी साहब हमारे साथ हैं मौलाना, वहीं ई अली आरिफ प्रवक्ता मुस्लिम लीग हमारे साथ हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक एक करके चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मौलाना शाहबुद्दीन साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। ओपी राजभर कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान एक हैं, जब हिंदू यहाँ दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा सकते हैं तो मुस्लिम को क्या दिक्कत है, वो भी मंदिर आए, वो भी जल चढ़ाए, क्या परेशानी है इसमें, उनके द्वारा ये सवाल। देखिए, उन्होंने सिर्फ चादर चढ़ाने की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जल चढ़ाने की बात कही है। तो देखिए, ऐसा है ना कि ये मजहबी मामलात में पॉलिटिकल लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, और इस तरह के मशवरे जो मजहब से टकराव रखते हैं और सबका अकीदा मजहब मसलक अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है, तो उस पर एक साथ में ये मशवरा देना कि जल चढ़ाइए, मुसलमान जल चढ़ाए, तो ये इस तरह के मशवरे नहीं देना चाहिए, फजूल की बातें हैं। भाई, हर आदमी अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करता है तो अमल करता है, जैसा भी अमल कर रहा है उसको करने दीजिए। कोई नमाज पढ़ रहा है नमाज पढ़ने दीजिए, कोई जल चढ़ा रहा है जल चढ़ाने दीजिए। अब इनको दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। तो ओपी राजभर साहब जो है वो सामान्य मजहब का एक अलग नजरिया पेश करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। ये सब मजाहिब अलग अलग हैं, सब लोगों को अलग अलग इजाजतें हासिल हैं, कानूनी अधिकार भी है और अपना जाती मतलब मजहब भी है, तो उस सबको आजादी हासिल है। तो जो लोग भी जिस मजहब पे अमल करते हैं करने देने चाहिए, एक दूसरे को किसी में अमल दखल करने की कोई जरूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात यह कि हमारा मजहब इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी दूसरे मजहब के जाके पैरोकारी की जाए या उसका उस पर अमल किया जाए या उसको अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाया जाए। तो हमारा मजहब जो है वो उसने एक दायरा बनाया है और उसके अपने उसूल हैं, उसके अपने जवाबित हैं, तो अपने उसूल और जवाबित पर ही अपने मानने वालों को रहने के लिए ताकीद करता है। तो ओपी राजभर जी का जो कहना है, जो उन्होंने मशवरा दिया है, वो मशवरा उनका फजूल का मशवरा है और किसी लायक नहीं है, और उनको जो है वो इस तरीके से मशवरा देने का सिर्फ अधिकार भी नहीं है। हाँ, जो सामाजिक काम है, सामाजिक का पेड़ लगाना है, लोगों को पानी पिलाना है, खाना खिलाना है, भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये सबके सबका यकसा नजरिया है, सामाजिक काम है, सामाजिक काम के लिए मशवरा दीजिए कि कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दीजिए, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दीजिए, कहीं पानी का इंतजाम नहीं है तो वहां नल लगवा दीजिए या ट्यूबवेल लगवा दीजिए, इस तरह के काम सामाजिक में वो उसको करना चाहिए और उसका मशवरा देना चाहिए। खुद अगर हम ओपी राजभर जी से कहें, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं और अल्पसंख्यक हज और वक्त देखते हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, मगर हम उनसे ये कहें कि 30 दिन के रोजे रखिए रमजान के, क्या रोजा रखेंगे? हम उनसे कहीं आइए मस्जिद में नमाज पढ़िए, क्या वो नमाज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। और तो हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि उनका मजहब अलाउ नहीं करेगा, तो हम उनको मशवरा भी नहीं देते हैं।
मगर जब वो मशवरा देंगे तो पलट करके कोई भी मुसलमान उनको मशवरा दे सकता है? नहीं, तो वैसे देखिए रजवी साहब जिस मजहब को लेकर के, हालांकि आप जिक्र करते नजर आए, आपने कहा उनका मजहब जो है ये चीज अलाउ नहीं करेगा, उनके मजहब में ये बातें नहीं लिखी होगी कि वो रोजा रखें या फिर नमाज पढ़े, हिंदू मजहब में मुझे नहीं लगता जहां तक मेरी नॉलेज है कि ऐसा कुछ मना किया गया है। हालांकि उन्होंने जो बात कही उसके पर सबकी प्रतिक्रियाएं जरूरी हैं, आपके पास फिर से आएंगे और भी इस पर बातें करेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरह की बात यहाँ पर ओपी राजभर जी के द्वारा कही गई है, सीधे कहते नजर आ रहे हैं अगर हिंदू जाकर के दरगाहों में चादर चढ़ा सकते हैं तो फिर मुस्लिम भी भोलेनाथ पर जल चढ़ा सकते हैं। हालांकि रजवी साहब इस पर कहते नजर आए हैं कि इस तरह की सलाह देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सीमा जी, बहुत बड़ी बात है, सनातन की जो पद्धति है वहां एक ही शिक्षा शुरू से दी गई है, चाहे वो वेद के माध्यम से हो या पुराणों के माध्यम से हो या उपनिषदों के माध्यम से हो या सामाजिक व्यवस्था हो, जो भी है। देखिए जो शिक्षा दी गई हम लोगों को या सबको, सनातनियों को दी गई, वही दिया गया है कि सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। ये जो शिक्षा दी गई है हमें, साथ साथ यहाँ पर संसार में जो भी है, वसुधैव कुटुम्बकम को लेकर के चर्चा होती है, इसलिए होती है इस धरती पर जो भी जन्म लिया, जिसने भी जो भी पैदा हुआ, वो सभी एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। और अभी एक बात मौलाना साहब को मैं सुन रहा था, यहाँ पर जो बात मजारों की या मस्जिदों की होती है, दरगाहों की होती है, सीमा जी आपको बता दूं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए, और हमारे मौलाना साहब बुद्धिमान आदमी है और अच्छे एजुकेटेड है, मैं इनकी डिबेट में कई बार शामिल भी होता हूँ, ज्यादातर परसेंटेज कहेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज हिंदुओं की ही होती है। वो ये नहीं सोचते कि हाँ ये मंदिर है या मस्जिद है या कोई मजार है या दरगाह है, नहीं, अगर आस्था है मन में है तो वो मानते हैं कि हाँ कोई ईश्वर है, जिस ईश्वर को हम मानते हैं उसका कोई ना कोई अंश यहाँ पर है। तो हमें, हमारा जो एक धर्म कहता है यानी सनातन धर्म कहता है, वो यही कहता है कि सब जगह ईश्वर विराजमान है, जो ईश्वर मंदिर के अंदर है, वो मस्जिद के अंदर है, वो गुरुद्वारे के अंदर है। लेकिन 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 प्रमोद मिश्रा जी, मेरा सवाल ये कि ओपी राजभर के इस बयान के बाद इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनको इस तरह के मशवरे देने चाहिए भी ऐसे समय पर जब अभी नेम प्लेट और अन्य मुद्दे काफी गर्माते नजर आए? सीमा जी, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है, वो ये मानते हैं कि हम सब एक ही हैं, तो अगर हम आपके मस्जिद के सामने मथा टेक सकते हैं, आपको अपना हम भाई मानते हैं, आप अपना हम छोटा भाई बड़ा भाई मानते हैं, हृदय से लगाते हैं, तो ये काम आप भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रेम आपस में और बढ़े। अभी तो है ही, प्रेम हमारा आगे बढ़े, तो उन्होंने उस प्रेम को बढ़ाने का ही काम किया है, कहीं कोई नकारात्मकता मेरे ख्याल से नहीं है। रही बात बस आपकी अपने अपने विचारों की कहानी है, अब कुछ बातें जैसे मजहबी लेके चल देते हैं कि नहीं हम सम्मान है, हम जी कट्टर बुद्धिस्ट हैं, ये अलग विषय हो जाता है, लेकिन सबको सोचें तो इस संसार में सब एक ही जैसे पैदा होते हैं, माता पिता के द्वारा सारे ही पैदा होते हैं और सबकी ही मृत्यु होती है, मृत्यु लोग है, जन्म लोग है, तो सब कुछ यही होता है। इसलिए उन्होंने इसको समाज को जोड़ने का काम किया है, मुझे लगता है इसमें कोई नकारात्मक विचार नहीं। चलिए ठीक है, तो आपकी तरफ से ये कहना कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इस बयान को लेकर के, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया है। महंत शुभमन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है ओपी राजभर के इस बयान को लेकर? अयम निजा परो बेटी गणनाम लघु चेतसाम उधार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। एक पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम है, भारत विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है, देश में एकता का संदेश मिलता है। लेकिन आपको ये अवगत करवा देता हूँ, ओपी राजभर जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि कांवड़िया जाकर, कांवड़िया भी आता है, कांवड़ियों की भी सेवा करो, और मुसलमान जाकर मंदिर में जल चढ़ाए। मौलाना साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं, मैं सभी धर्म का आदर करता हूँ, कभी भी मैंने हिंदू मुस्लिम की डिबेट नहीं, आचार्य प्रमोद जी भी जानते हैं, क्योंकि हम जब हमने कल अखाड़ा परिषद को ही बोला, जब हमारे यहाँ पर हरिद्वार में पीरान कलिय दरगाह है, मैं उस दरगाह में खुद जा रखा हूँ, मैं आपको बताऊं तो मैं उस दरगाह में खुद जा रखा हूँ, पीरान कलिय की दरगाह है तो वहां भी मैं जा रखा हूँ। उसके बावजूद भी बगल में हमारे यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है तो मुसलमान भाई हमारे संतों के ऊपर पुष्प बरसाते हैं, और मुजफ्फरनगर में भी नाम प्लेट का जो मैटर आया उसके बावजूद भी कई गांव ऐसे हैं, संदीप बालियान जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनको मैंने सुना कि वहां पर 3 गांव ऐसे हैं जो मुस्लिम भाई कैंप लगाते हैं कांवड़ियों के लिए। उन्होंने कहा कि आप हर जगह जाइए, अगर आप मंदिर में जाते तो मंदिर में जल चढ़ाइए। मुझे याद है कि 2010 में मुजफ्फरनगर से कोई मुस्लिम सांसद थे बसपा के, वो भी जाकर भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, मूर्तियों में जल चढ़ा रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या राम जी को नहीं माना, अलामा इकबाल जी ने क्या नया शिवालय को नहीं लिखा,
लेकिन रजवी साहब की कहना कि ये उनके धर्म में नहीं है। देखिए उनकी बात अलग है। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। हिंदू नहीं जी, थे जी, गुरु नानक देव जी हिंदू नहीं थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, उनके साथ एक मुस्लिम चेला एक हिंदू चेला नहीं रहता था, तो भी तो गुरु नानक देव जी भी तो थे। लेकिन तो ऐसी कोई लेकिन बड़ी बात नहीं है। गिरी जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर, क्या किसी भी तरीके से किसी मुस्लिम पक्षकार ने आकर ये कहा किसी से, या फिर किसी नेता ने आकर के ये कहा किसी से कि आपको मजार में जाकर के और दरगाह में जाकर के नमाज अदा करनी चाहिए, हिंदुओं को रोजे रखने चाहिए? क्या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह का बयान आया है जिस तरह का बयान ओपी राजभर ने दिया है? देखिए मैं बताता हूँ, जब रोजे का दिन होता है, कभी हमारे चैत्र नवरात्रे लग जाते हैं, कभी श्रवण मास लग जाता है, उसी समय हिंदू भाई भी व्रत रखता है और मुस्लिम भाई भी व्रत रखता है। लेकिन इस बात में और दूसरी बात है कि दरगाह में कोई जाता हो, व्यक्तिगत व्यक्ति की आस्था है, वो व्यक्ति की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। मंदिर में जो जाता है व्यक्तिगत आस्था का विषय। आप एक देख लीजिए ना, फॉरन हमारे यहाँ से देश आता है, फॉरनर देश आता है, जैसे इटली हो, फ्रांस हो, हरे रामा हरे कृष्णा वालों को देख लीजिए, और कौन का ड्रेस पहनकर विदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोई क्या दुबई में मंदिर नहीं बना, हिंदू मंदिर भी तो बना वहां पर, उसके लिए भी तो मैंने आपसे परिचर्चा की थी, माननीय मैडम से भी आपके लिए परिचर्चा की थी। इसी प्रकार से हम सभी को एकता का सूत्र वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आऊंगी प्रमोद मिश्रा जी, आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद अली आरिफ साहब आपके पास आऊंगी। प्रमोद मिश्रा जी, जिस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है, व्यक्तिगत आस्था अपनी एक अलग बात है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा सामने आना और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात कह देना कि सबको ये काम करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर थोड़ी सी अटकलें और थोड़ी सी सिचुएशन खराब होने लगती है ऐसे समय पर? व्यक्तिगत आस्था सबकी अपनी है। देखिए सीमा जी, यहाँ हाँ होने लगती है, विचारों की सारी बातें होती हैं, सब कहानी सब विचारों की है। आज सनातन वो पद्धति थी जो कि आज ही से है, कोई ऐसा कोई व्यक्ति कह पाए कि हाँ सनातन धर्म इस संवत से या इस सन से शुरू हुआ, ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, तो कहाँ गया, क्यों अनादि है। तो यहाँ पर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति ये बातें कहता है, वो कुछ सोच कहता है कि यहाँ पर जितने भी हम लोग वैसे विचारों की कहानी, चाहे 1400 वर्ष पहले, चाहे 600 वर्ष पहले, चाहे 2500 वर्ष पहले, जो भी हुए विचारों हमारे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी हुए, तो आज हम यही प्रयास करते हैं कि हम सब एक हैं, हम लड़े क्यों, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम विचारों में भिन्नता क्यों रख रहे हैं, ये प्रयास रहता है। बेशक हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है। प्रमोद जी, वैसे मेरा सवाल ओपी राजभर के बयान को लेकर के था, हालांकि आपके पास अब आऊंगी एक प्रतिक्रिया अब यहाँ पर मुस्लिम लीग गुरु से भी ले लेती हूँ। अली आरिफ साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरिफ साहब, क्योंकि ओपी राजभर के द्वारा ये बयान दे दिया गया है कि अगर हिंदू जो हैं वो जाते हैं दरगाह में, वो चादर चढ़ाते हैं, तो मुस्लिम को भी भोलेनाथ पर जल चढ़ाना चाहिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, आपने रजवी साहब को भी सुना, हिंदू धर्म गुरुओं को भी आपने सुना है, आपका क्या राय इस पर? ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा, इनके सिलसिले में, इनके हवाले से, इनके बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि छोटे लोग बड़ा होदा, छोटी सोच। राजभर साहब को याद दिलाना पड़ेगा उनका 1000 पहले का माजी क्या था, और आज वो इस लायक हो गए कि इस तरह का मशवरा देने के लायक वो हो गए। अफसोस होता है उनकी अक्ल पर, उनकी सोच पर, उनके विचार पर, और इस तरह के विचार देने के लिए ये माहिर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी है ये, तो इस तरह के विचार वो अपने पास रखे। बेहतर ये होगा कि 1000 साल पहले का अपना माजी वो याद कर ले कि किस हालत से वो किस हालत में आए, और इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है, क्रेडिट किसको दिया जा सकता है जो इस हालत में वो आए। योगी जी, मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और जनाब ओम प्रकाश जी मुसलमानों और दलितों के बीच में एक लंबी खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम एक बैन अक्वामी मजहब है, किसी का किसी की बपौती नहीं है। इस्लाम एक सिस्टम है, लिविंग ऑफ लाइफ है, जो इसको फॉलो करता है वो मुसलमान कहलाता है, जो नहीं फॉलो करता वो गैर मुस्लिम है। किसी एक खास सबके, खास गुरु के, खास इलाके के लिए
ये इस्लाम मजहब नहीं है। ना समझ लोगों को लिए, ना समझी का सबूत देने वालों के लिए समझने की जरूरत है। उनको चाहिए कि पहले समझे इस्लाम की बुनियादी पैगामात क्या है, उसका तौर तरीका क्या है। कोई अगर दरगाह पे जा रहा है तो क्या जबरन दिया जाए, जबरन जा रहा है वो अपने दिल से जा रहा है, अपनी अपनी रजा से जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है। इसका वो इंडिविजुअल मामला है, वो इस्लाम पर या दरगाह पर एहसान नहीं कर रहा, वो अपने ऊपर एहसान कर रहा है, वहां से वो कुछ हासिल करने के लिए उसको लग रहा है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम अगर नहीं राजभर ओपी राजभर के द्वारा जिस तरह का बयान दिया गया, आपने अभी समानता एकता की बात हालांकि अपनी बयानों में कहा है, तो उन्होंने भी एक बात कही है कि संविधान के तहत जाएं, हम सब एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने किसी तरह की हालांकि कोई नेगेटिव बात नहीं किया, उन्होंने बस यही कहा है कि हिंदू भी जाते हैं तो मुस्लिम भी जा सकते हैं। तो इस पर किसी तरीके से अगर देखा जाए उनके बयानों को लेकर के जो बवाल मचता नजर आया, या फिर जो बात आपने अभी कही है कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए या उन्हें नहीं बोलना चाहिए, खाई पैदा करने की बात आप कहते नजर आए आरिफ साहब, यहाँ पर खाई पैदा करने वाले उनके कौन से बयान आपको लगे, कौन सा ऐसा शब्द आपको लगा, इस पर जरा नजर डालें। मैडम चैनल पर बैठ के मैं ये नहीं कहना चाहूंगा आपसे कि क्या नजरिया है, किस नियत के तहत इस तरह की बातें की जा रही है। ओम प्रकाश को खाली यही नजर आ रहा है कि जाके मुसलमानों को जल चढ़ाना चाहिए, मंदिर में जाके पूजा करनी चाहिए। ओम प्रकाश जी को ये नजर नहीं आ रहा है कि मस्जिदें गिराई जा रही है, उनको ये नजर नहीं आ रहा है चौराहों पर मुसलमान मारे जा रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि बहन बेटियों की सबसे चादर खींची जा रही है, कितनी चीजें गिनाई जाए आपको, ये उनको नजर नहीं आ रहा है। उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि कितना भ्रष्टाचार है देश में, उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि हेल्थ की स्वास्थ्य क्या देश में क्या पोजीशन है, उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि शिक्षा की क्या पोजीशन है। बकवास करना इनकी फितरत में शामिल है ताकि एक मुद्दा बन जाए, एक मौजू बन जाए जिस पर दो ग्रुप आपस में बहस करें या लड़ाई कर लें, ये मंशा होती है जी। चलिए तो